ये कोरल है मूंगा, ये दोनों ही समुद्र से निकलते ऑर्गेनिक बन चुके हैं। सेंटर में है डायनासोर की हड्डी जो यूएसए से लाई गई है। इसको छोड़ के आप जितना भी कलेक्शन देख रहे हो सारा नेचुरल है। इसके ऊपर आप जितना भी वर्क देख रहे हैं प्योर गोल्ड का वर्क है। हेलो दोस्तों, आप सभी का सफर इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल और आज मैं आ चुका हूं जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस खजाना महल। तो किस तरह से है खजाना महल आज के इस ब्लॉग में एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए मेरे साथ देखिए जयपुर का खजाना महल। अब हम जा रहे हैं खजाना महल की ओर। सौ ग्यारह किलो सोने की अंगूठी देखने जा रहे हैं भाई हम लोग। बेस कीमती खजानों की दुनिया। टिकट चार्जेस है भाई 350 और इंडिया फॉरेनर के लिए 1000 चार्जेस है भाई। देखते हैं भाई खजाना महल एक्चुअली में वाकई में वसूल है भी कि नहीं। ये देखो कोई बाहर नहीं आए, हम लगे थे नाक में से। ओके नाक पकड़ते हैं, चलो निकलो निकल के इससे पेट में जाएगी मुँह से बाहर आएगी। ओके चलो भाई मोर राइट ठूस लंडूरी फूंक लगाओ, इसमें जोर के लगाओ ठूस लंडूरी वो पेट। ये वाला बॉल आपके पेट में गया वापिस आएगा। ओके बॉक्स से बॉक्स में बाहर आएगी, फूंक लगाओ इसमें मुँह खोलो बाजी करो ठूस लंडूरी बाबा भाई बाहर निकल के ले गया। गिर गिर छू ठूस लंडूरी ऐसा बोलो ठूस लंडूरी नोट वापिस आ चुका, अंदर हाथ डालो निकालो जल्दी। अरे मैडम डरो मत नोट निकालो, ये देखो इनका नोट वापिस आ चुका दे दीजिए। जयपुर का खजाना महल जो अपनी सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, इस महल का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था और इसे राजस्थानी शाही परिवार के लिए विशेष रूप से बनवाया गया। महल के अंदर कई शानदार कक्ष हैं जिनमें हर एक कक्ष की अपनी अनोखी डिजाइन और सजावट है। इन कक्षों में खूबसूरत चित्रकला और शानदार आर्ट वर्क देखने को मिलता है जो इस महल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यहां आपको सभी प्रकार के अनमोल रत्न देखने को मिलेंगे जो उस समय से राजा महाराजाओं की कारीगरी के समय उपयोग किए जाते थे। 1667 से 2021 तक की यहां पे हिस्ट्री बताई गई है कि जयपुर में जैन सिंह ज्वेलरी कैसे एस्टैब्लिश किए गए, क्या क्या रूल्स बनाए गए और क्या क्या डेवलपमेंट्स किए गए जैन सिंह ज्वेलरी को लेकर। इस वाली वॉल पर राजस्थान के कुछ फेमस राजघरानों के मेंबर्स की तस्वीरें हैं जिनको जैन सिंह ज्वेलरी पसंद थी, क्योंकि महारानी गायत्री देवी जी हैं, इन्हें पर्ल की ज्वेलरी काफी पसंद थी मोती की। इन्होंने जो ज्वेलरी पहन रखी है उसी की रेप्लिका आप यहाँ पर देख सकते हैं। उदयपुर के राजा महाराणा भूपाल सिंह जी है, ये पहले मार्बल के ऊपर ऐसे ज्वेलरी का स्केच बनवाते थे, फिर इसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते थे कौन सी ज्वेलरी बनवानी है। आप सभी यहाँ देखेंगे ये इंडियन रूबी की कार्विंग से सारी माणिक की, और ये सिंगल स्टोन पे बनाई गई है, इनमें कोई भी कट ज्वाइंट नहीं है, और ये भी सिंगल स्टोन पे तराशी गई मूर्ति है। पर आप जितना भी वर्क देख रहे हैं प्योर गोल्ड का वर्क है, जिसे जयपुर में कुंदन मीना पोलकी का वर्क बोलते हैं। जयपुर की पिक्चर है, और ये 100 साल पुरानी पिक्चर है। यहाँ पर एक कसौटी स्टोन है जो कि गोल्ड की प्योरिटी टेस्ट करने में काम में लिया जाता था। पहने जाते और क्या क्या काम होता है वो सब इन बुक्स में बताया गया है। टर्टल शेप में मिला है, कैल्सिडोन शिवलिंग है जो शिवलिंग शेप में मिला। नीचे जो आप देख रहे हो सारा माइनिंग के टाइम निकलने वाला रॉ है,
जब कभी माइनिंग होती है तो कुछ स्टोन ऐसे ही निकलते हैं। आप अपने पीछे देखोगे 400+ जेम स्टोन है, हर एक के साथ एक पॉलिश कैप लगाया गया है, उनका ऑरिजिन लिखा गया, उनका फैमिली वाइज नेम लिखा गया है। एक जीव है जो पत्थर बन चुके हैं। सेंटर में है डायनासोर की हड्डी जो यूएसए से लाई गई है, शार्क मछली का दांत, टारिलो बाइट और तो सारा समुद्री फिश है जो पत्थर बन चुके हैं। पीछे आप देखेंगे एमेथिस्ट, ये ज्वालामुखी के फटने से बनती है, दोनों पीस पहले एक ही थे, हमने इसको बीच में से काट के रखा है ताकि एमेथिस्ट देख सके। ये ब्राजील से लाया गया है, ये इसका रफ है, इसी का पॉलिश हम आगे देखेंगे। तो ये है 12 कलेक्टिंग पीसेस, फर्स्ट दो बॉक्सों में आप देखेंगे कैरेमल कैंडी जेस्पर और ये मल्टी कलर जेस्पर है। गेट हकीक का पत्थर है जो मस्जिद दरगाहों में सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये गेट बाउल शेप में और ये शू शेप। कैल्सिरोनी हेलमेट है जो हेलमेट शेप में मिला है। एक मैलेकाई टेस्ट रही है जो प्रोडक्ट के तौर पे बना के लाया गया है। इसको छोड़ के आप जितना भी कलेक्शन देख रहे हो सारा नेचुरल है। जैसे ये हनी फ्लोराइट है, ग्रीन फ्लोराइट है, जो दोनों ही चाइना से लाए गए। यहाँ से हम स्टोन की नेचुरल फॉर्म को पीछे छोड़ेंगे, आगे स्टोन की कटिंग पॉलिशिंग फिर इनका ज्वेलरीज में यूज बताया गया है। जितने भी रफ स्टोन देखे थे यहाँ पर उन्हीं की कटिंग और पॉलिशिंग बताएंगे। ऊपर आप देखेंगे जेम स्टोन के 200+ कटिंग और शेप से जो कि ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। ऊपर एनिमल कार्विंग से और नीचे यूटिलिटी आइटम, ये सभी अलग अलग जेम स्टोन से बने। फिर यहाँ उनकी पॉलिश फॉर्म बताई गई है और बीच में इन्हीं की ज्वेलरी और बीड्स आप देख पाए। फिर आगे आप देखेंगे कौन सा तो देखिए। नवरत्नों में पहला आप देखेंगे एमरल्ड है पहनना, जिसे बुद्ध ग्रह के लिए पहना जाता है। ये लाइट से लेकर डार्क तक बदलता है। वहाँ आप देखेंगे ब्राजील, जाम्बिया, फिर ये कोलंबिया का एमरल्ड बताया गया, जिसे रत्नों का राजा भी कहते हैं। ऊपर कोल माइन थीम बताई गई है और नीचे सभी नेचुरल डायमंड जिन्हें आप मल्टीफाई लेंस से देख सकते हैं। मोती देखते ये वाला पर्ल है मोती, ये कोरल है मूंगा, ये दोनों ही समुद्र से निकलते ऑर्गेनिक होते हैं। मोती को पहनते चंद्र के लिए, कोरल को पहनते मंगल के लिए। इधर से फर्स्ट आप देख रहे क्राइसोबेरिले कैट्साई, जिसे केतु ग्रह के लिए पहनते हैं। फिर हेजोनाइट है गोमेद राहु के लिए, फिर येलो सफायर है पुखराज गुरु के लिए, और लास्ट है सफायर नीलम जो शनि ग्रह के लिए पहनते हैं। ये सभी प्रीशियस स्टोन थे, आगे आप देखेंगे सेमी प्रीशियस। पीछे आप देख रहे टोपाज है, माइनिंग से कलर लेस निकलता है, फिर इसकी हीट मिलती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू। अंदर फोटो पॉइंट है, फोटो क्लिक कर लीजिए, फिर आगे आपको इधर से लेट जाना है। भाई 111 किलो सोने की अंगूठी। वर्ल्ड मोस्ट प्रीसीजियस डायमंड्स।
इस महल की वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और शाही ठाट को देखकर आपको निश्चित रूप से एक अद्भुत अनुभव मिलेगा। जयपुर की शाही धरोहर में यह महल एक अनमोल रत्न की तरह है। अभी भाई जाना महल के ऊपर जीप लाइन करते हैं भाई, जबरदस्त 150 पर पर्सन चार्जेस है भाई। यहाँ आप जीप लाइन का भी मजा ले सकते हैं। खजाना महल के एक ओर से दूसरी ओर आपको जाना है भाई, एक नंबर भाई, जबरदस्त। यहाँ है भाई तो जीप लाइन का भी मजा जरूर ले भाई। तो यहाँ भाई आप हमारे यहाँ राजस्थानी ड्रेस पहनने के बाद किसी प्रकार का कैमरा मोबाइल नहीं लाउन भाई। स्थानीय ड्रेस पहन के अगर कैमरा फोटो निकालोगे तो मतलब ही क्या भाई, और बेस्ट भाई फोटो सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है भाई। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही घूमने वाले प्लेसेस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राजस्थान। खजाना महल के बाद आप कहाँ ले जा रहे हो भैया? अब चल रहे हैं अपन आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट।